गरिमा व्लॉग, मैं हूँ गरिमा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज। ये एक दिन है जहाँ पे एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं सभी लेडीज। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, पूरा दिन फास्ट रखते हैं, जब तक चांद नहीं निकलता, चांद को देख के ही ये फास्ट खोला जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो ये फास्ट नहीं रख रहे हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हेल्दी विशेज। सो गाइज, अभी करवा चौथ है, पूरा दिन मेरा भी फास्ट है, तो मैंने सोचा कुछ खा तो नहीं सकते हैं, तो मैं थोड़ा धूप ही खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा है, धूप निकली है बट थोड़ा हवा भी चल रही है, तो बहुत अच्छा सा ये मौसम है आज। एंड आई होप बहुत अच्छा सा ये दिन जाएगा आज, यू नो, खुशियाँ, लव, सब कुछ ये रहेगा इस दिन में। ओके, तो मैंने लगाई है ये मेहंदी, मेरी बहुत सिंपल सी मेहंदी है, ये देखिए बहुत सिंपल मैंने मेहंदी लगाई है। एक्चुअली प्लान था पहले बाहर लगाने के लिए कि बाहर से लगवाएंगे या घर पे किसी को बुला लेंगे लगाने के लिए, बट समहाउ वो मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि वीक डेज थे और सुरांशु ऑफिस में बिजी थे, तो मैं घर के काम और श्रेष्ठ को हैंडल करने में वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। सो गाइज, बस यही मैंने मेहंदी लगाई थी। एंड सी कौन आया है। ओके, सो सुरांशु आ गए हैं। और भाई क्या हो रहा है, कब तक लगाई तुमने मेहंदी? कुछ नहीं यार, बस मैं मेहंदी दिखा रही थी। गाइस, मैंने पता है रात 2 बजे तक मेहंदी लगाई, और मैं 2 बजे तक मेहंदी लगा रही थी क्योंकि श्रेष्ठ ही 12 बजे तक सोया था, तो उसके बाद ही मैंने मेहंदी लगाई थी। एंड ऐसे ही लगाई है, बस अभी शगुन के नाम की लगा दी थी। तो उसमें तो तुमने मेरा नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, नाम है, ढूंढो ढूंढो नाम ढूंढो। पांच मिनट हो गए हैं और श्रेष्ठ सांशु को अपना नाम नहीं मिला है। तो यार ऐसे लिखा है, इसने बी लिख रखा था, बी नहीं था, वो डिजाइन था। ढूंढो यार, ऐसे थोड़ी यार, मतलब नाम तो ढूंढना पड़ेगा। गाइस, करवा चौथ पे ये मेरा फेवरेट काम होता है, मैं मेहंदी लगाती हूँ और इसलिए मैं खुद से लगाती हूँ, तो मैं इतना अंदर लिखती हूँ कि उनका नाम मिलता ही नहीं है, बहुत सर्च करना पड़ता है। आ, मेरी फिंगर यार नहीं लिखा, बी लिखा हुआ है, सी किसी और का नाम लिखा, हार मान ली। ठीक है, अभी तो जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा फिर मुझे। सो गाइस, सुधांशु हार गए हैं एंड अब जो भी मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। सो इट्स अ मेहंदी नेम चैलेंज। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सुधांशु का नाम कहाँ लिखा है। तो सुधांशु का मैंने नाम गाइस ये लिखा है, सुधांशु। और ये साफ दिखा रहे हैं, ये मेरे पूरा, और इनका स्पेलिंग इतना बड़ा है कि इतना मैंने आराम से इधर लिखा और इनको नहीं, पर इसमें बी भी लिखा हुआ है। देखो गाइस, यहां पे भी बी लिखा है। गाइस, ये डिजाइन है, बी लिखा है, ये देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है यार मैंने, बट आप हार गए हो। तो गाइस अभी जा रहे हैं, सुधांशु को भी थोड़ा अपना ऑफिस का काम है, एंड मैं भी अभी करने वाली हूँ पूजा की तैयारियाँ और भी घर का काम है, तो अभी बस वो ही हम लोग करेंगे। तो चलिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं साथ में। सुधांशु का मन है ब्रेकफास्ट में बर्गर खाने का, आई डोंट नो आज मेरा फास्ट है और उनका बर्गर खाने का क्यों मन किया, वो भी मॉर्निंग में। तो एनीवेज कोई बात नहीं, तो मैं फटाफट से उनके लिए एक इजी बर्गर बनाऊंगी। दुबड़ा, बोलो दुबड़ा, दुबड़ा। थैंक यू श्रेष्ठ, वेरी गुड, क्लैप फॉर श्रेष्ठ, वाओ वाओ, क्लैप फॉर श्रेष्ठ। अभी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है एंड घर का भी जो इम्पोर्टेंट काम था वो सब भी मेरा हो गया है। ऑल्दो अभी लंच बनाना है मुझे दोनों के लिए, बट अभी वो मैं पूजा के बाद ही बनाऊंगी। तो अभी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, तो मैं रेडी होंगी एंड मैं आपको मिलूंगी अपने फाइनल लुक के साथ। एंड आज का लुक मेरा मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होगा, मैं बहुत लाइट ही रखने वाली हूँ, कोशिश तो यही रहेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या पहनने वाली हूँ एंड क्या मेरा रहेगा, एंड मैं आपको गिफ्ट भी दिखाने वाली हूँ जो सुधांशु ने मुझे गिफ्ट किया है।
सो गाइज मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये मुझे सितांशु ने गिफ्ट की है। सो मुझे काफ़ी प्यारी लगी है, बहुत लाइट कलर है एंड दिस मिरर वर्क इज़ रियली नाइस। तो ये पूरा ऐसे लॉन्ग ड्रेस है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। और मैं पहनने वाली हूँ अपना चूड़ा, ये मेरी शादी का चूड़ा है, मुझे बहुत पसंद है ये एंड हर करवा चौथ पे मैं इसको पहनती हूँ। देन सम बिंदी एंड या ये ब्यूटीफुल टोरिंग आई विल शो यू, ये बहुत प्यारी टोरिंग है जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट की है, मेरी मम्मी ने मुझे ये दी थी। तो करवा चौथ पे मैं हमेशा यही पहनती हूँ। मुझे मिला है एक और गिफ्ट, ये है ब्यूटीफुल एंकलेट्स फ्रॉम शुभकी, इनके पास बहुत ट्रेंडिंग ज्वेलरी होती है सिल्वर की, तो ये मुझे सितांशु ने गिफ्ट किया है, बहुत प्यारी ये मुझे एंकलेट लगी है। एक्चुअली शादी में बहुत हैवी हैवी मिली थी, तो मेरा मन था कुछ सिंपल सा मेरे पास हो, तो नहीं थी, तो सितांशु ने मेरे लिए ये ऑर्डर की है एंड मुझे बहुत प्यारी लगी है। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा स्टोन है एंड आप साइज़ भी इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो ये बहुत प्यारी सी इस तरह की एंकलेट है। तो इन केस आप चेक करना चाहो तो आप इनकी साइट पे चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। बहुत ट्रेंडिंग ज्वेलरी मैंने देखी है, मोस्टली मेरा सिल्वर ज्वेलरी यहीं से होता है। गाइस दिस इज माय फाइनल लुक फॉर द डे, यू नो ये मेरी ड्रेस पूरा एंड बिंदी इयररिंग्स, ये मेरा मंगलसूत्र जो मैंने सुबह ही पहन लिया था। सो दिस इज माय लुक, पूरा लुक दिखाने के लिए मैं लेने वाली हूँ अभी सितांशु की हेल्प। दिस इज माय होल लुक, मैंने कोशिश की है कि काफी सिंपल ही रखने की, सो आप मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो अभी हम लोग करते हैं पूजा, जो हमारी करवा चौथ पे हम लोग कथा पढ़ते हैं, करवे की जो कथा होती है। सो आज मैं थोड़ा घर पे मिस कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना, काफी सारी लेडीज होती हैं और फिर मिलकर ये पूजा और कथा हम लोग करते हैं, बट यहाँ बैंगलोर में मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइस, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे काफी लोग करते हैं, इवन विद इन सोसाइटी काफी लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट यू नो सबका अलग अलग रिचुअल्स होता है, पूजा करने का तरीका अलग होता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरा उन लोगों के साथ पूजा करना। बट ये बेस्ट थिंग भी इसके साथ ये है कि जब मैं अभी करवा की जो मैं कथा करूँगी उसमें मेरे साथ बैठने वाले हैं जो मेरे हेल्प मेरे साथ जो पूजा करेंगे वो होंगी सितांशु एंड श्रेष्ठ। तो ये बहुत अच्छा भी लगता है कि ना जब आप जिसके लिए पूजा कर रहे हो, जिसके लिए फास्ट रख रहे हो, वो आपके साथ बैठ के कथा सुने। गाइस पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, कथा हम लोगों ने अच्छे से कर ली है एंड हो गया है बहुत ज्यादा लेट लंच को, आप देख सकते हो 2:30 हो गए हैं एंड अभी मुझे लंच बनाना है, श्रेष्ठ को जल्दी से खिलाना है, तो मैं फटाफट से बनाने वाली हूँ वेज पुलाव उसके लिए, जो वो इजिली खा भी लेगा एंड जल्दी भी बन जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ वेज पुलाव बनाने। सो गाइस ये दोनों कर रहे हैं लंच और वो भी मेरे सामने ही, और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है और ये दोनों भी मजे ले रहे हैं। कुछ लकी नहीं मैं नहीं खा सकती, कुछ लकी वुमेन्स होती है जिनके हस्बैंड भी करवा चौथ पे उनके लिए फास्ट रखते हैं, सो हाउ नाइस ना, बट कोई बात नहीं यार, सबका अपना अपना होता है, कुछ लोगों से नहीं रखा जाता फास्ट, बट आई होप आप मन मन में मेरे लिए लॉन्ग लाइफ की प्रे करोगे। अच्छा आपको मैं नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए आई मतलब कितना आराम से बोल रहे कि नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, पर श्रेष्ठ को जरूर चाहिए, तो श्रेष्ठ मेरी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे कर लेगा, है ना श्रेष्ठ, करोगे? सी यस मम्मा, एक्चुअली अभी ना मुझे थोड़ा प्यास लगने लग गई है एंड उसका रीजन भी क्या है कि मेरे को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत है, तो आज मैंने वो भी नहीं पिया, तो तब से ना मतलब एक हैबिट बन जाती है ना, तो बॉडी की वो रिक्वायरमेंट बन जाती है, तो अगर मैं वो सुबह का एक पानी का ग्लास ले लूँ ना तो काफी टाइम तक हाइड्रेटेड फील करती हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा
हाइड्रेशन की जरूरत लग रही है बट आज फास्ट है गाइज। इन लोगों का लंच वगैरह हो गया है एंड अब मैं बैठी हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ही ना हेक्टिक हो गया था। तो अभी सोचा यार थोड़ा रिलैक्स करती हूँ क्योंकि अभी यू नो अभी मैंने किया है कथा, मतलब करवा चौथ पे जो कथा होती है वो पढ़ी है। इवनिंग में मैं अपने मदर इन लॉ के लिए निकालूंगी बायना, तो थोड़ा सा वो पूजा भी होगी एंड फिर रात में जब चांद आ जाएगा तब चांद आने पे पूजा होगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा यू नो करवा चौथ पे रिचुअल्स चलते हैं पूरा दिन। सो अभी वो सब करना है एंड डिनर में क्या बनाना है वो भी सोचना है। सितांशु का ज्यादा यू नो खाने का भी तो मूड नहीं है, वो अभी तो बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा हैवी नहीं खाना है बट लेट्स सी क्योंकि उनका इंस्टेंट मूड चेंज होता है। तो अभी देखते हैं, मतलब मैं 5-6 बजे के करीब फिर से उनसे पूछूंगी कि उनको क्या खाने का मन है तो मैं डिनर में वो ही बनाऊंगी। अभी श्रेष्ठ भी खेल रहा है तो वह सोया नहीं है इसलिए मैं भी यू नो सो नहीं सकती हूँ, रेस्ट नहीं ले सकती हूँ ज्यादा। तो मैं बैठी हूँ इधर एंड अपने लैपटॉप के साथ एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर टाइम है तो मैं एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूँ ब्लॉग की, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचेगा तब तक करवा चौथ तो ओवर हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आप तक जल्दी लेके आऊँ आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग। इवनिंग तक आते आते यू नो एनर्जी लेवल पूरा ऐसे डाउन हो जाता है क्योंकि आपने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं होता, पिया नहीं होता। तो अभी तक तो सही था कि अभी तो यू नो लगे हैं, लेकिन इवनिंग तक आके थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ऑल्दो भूख ऐसी नहीं लगती है, ऐसे नहीं कि बहुत भूख लग रही है, भूख का नहीं होता बट यू नो कई बार बॉडी में यू नो सॉल्ट का मन करता है कि सॉल्ट की कमी लगती है या यू नो डिहाइड्रेशन, जो मैं आपको भी बता ही रही थी कि मुझे मन कर रहा है कि यार मैं थोड़ा अच्छा ठंडा सा यू नो पानी पी लूं। तो बस पर कोई बात नहीं है। ढूंढ रहे थे ये, मुझे ढूंढ रहा था। आप मुझे ढूंढ रहे थे? अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे राइड लेने के लिए। श्रेष्ठ बहुत बोर फील कर रहा था घर पे तो सोचा कि उसको एक राइड दे दे एंड मैंने बोला मैं भी चलती हूँ यार साथ में, क्योंकि यू नो खाने पीने से माइंड डाइवर्ट करने का बेस्ट तरीका है कि अपने आप को डाइवर्ट रखो। तो मैं दिखाती हूँ श्रेष्ठ कहाँ है आपको, देखो। सो श्रेष्ठ यहाँ पे चिल मार रहा है, देखो मैं बैठी हूँ मेरी गोदी में आराम से यू नो चिल मार रहा है। सांशु आपको क्या लगता है यार आज चांद दिखेगा? हमें तो दिख गया हमारा। मैं तो रोज ही दिखती हूँ यार, और भी कोई चांद है क्या? मैं ना चांद दिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बट यू नो आज काफी मतलब मौसम खुला है, क्लाउडी अभी तक तो नहीं है, तो आई विश कि चांद दिख जाए, वो भी टाइम से दिख जाए। लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर ना मतलब हार्डली 2-3 मिनट्स के लिए चांद आया था एंड आई थिंक जिसने उस टाइम पे देख लिया होगा अदरवाइज तो वो वेट करता रहा होगा। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था यहाँ पे बैंगलोर में, हम लोगों ने डिजिटल चांद देखा था क्योंकि यहाँ पे क्लाउड की वजह से चांद नहीं दिखा था। तो आई विश कि आज चांद दिख जाए टाइम से, तो देखते हैं कैसा रहता है इवनिंग में। बस अभी मैं निकालूंगी अपनी मदर इन लॉ के लिए बायना। वैसे तो प्रॉपर खाना बनाते हैं, बायना देते हैं बट मैं क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर में हूँ और जो मेरे इन लॉज हैं वो हरिद्वार में हैं नॉर्थ में, तो मैं उनके लिए ड्राई ही इंग्रेडिएंट्स को निकाल के उसका बायना निकालने वाली हूँ। मेरी इवनिंग की भी पूजा हो गई है एंड पूजा के बाद मैंने की है अपने लॉर्ड से बात, फोन पे मैंने उनसे बात की एंड ली है बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन लोगों की। तो इट्स डिनर टाइम और डिनर पे मैं बना रही हूँ बिना लहसुन और प्याज का पनीर की सब्जी। बहुत सिंपल सब्जी होगी पर बहुत टेस्टी सब्जी होगी। तो मैंने टमाटर को थोड़ा काट लिया है और मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने लिया है काजू और मूंगफली, और इनको मैं ऑयल में थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी और जितना ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही सॉटे करूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इनको ठंडा होने पे मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सो इतना टमाटर यू नो सॉटे हो जाए ऑयल में, इतना मैं अपने पराठों के लिए जो आटा है उसको मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ।
अभी बज गए हैं रात के 9, ये देखिए 9 बज गए हैं एंड चांद अभी तक भी नहीं आया है एंड आने के कोई चांसेस भी नहीं लग रहे अभी, क्योंकि बैंगलोर में आ गया है बादल एंड पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे। थैंक गॉड सितांशु ने मुझे इतना कंफर्टेबल ड्रेस गिफ्ट किया, आई वाज सो कंफर्टेबल, मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा यू नो रिलैक्स रही इस ड्रेस में। बाय द वे दिस ड्रेस इज फ्रॉम पिंक अलमीरा, बहुत प्यारी उन्होंने ये ड्रेस मेरे लिए चूज़ की थी, तो थैंक टू हिम। वरना तो इतना ही क्या होता है, पूरा दिन आप इतना हैवी ड्रेस में नहीं मैनेज कर पाते, खासकर जब बच्चा हो साथ में तो। बट पूरा दिन मैं, आप देख सकते हो मैं पूरा व्लॉग में यही ड्रेस में थी, तो काफ़ी रिलैक्स रहा इस ड्रेस में। बस चांद आ जाए यार, अब पता है 5% सीरियसली 5% अब यू नो एनर्जी रह गई है। चितांशु का अभी भी ऑफिस ही चल रहा है, सो आई थिंक बाय द टाइम चांद आए मेरा वाला चांद भी अपने लैपटॉप से निकल के आ जाएगा। फाइनली चांद आ गया है, सितांशु अभी टेरेस पे देखकर आए हैं बिल्डिंग की एंड चांद आ गया है, तो अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे चांद देखने के लिए, क्योंकि मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहती बादलों का में जाने के लिए, तो हम ऊपर चांद देख के आते हैं और फिर कोशिश करेंगे या तो ऊपर पूजा हो पाई क्योंकि हवा बहुत चल रही है तो वहाँ पे करेंगे, या फिर हम लोग फिर नीचे अपने आके बालकनी में करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टेरेस पे। मेहनत करने के बाद थैंक टू चांद देवता जो बहुत अच्छे से दिखे एंड बहुत अच्छे से यू नो पूजा भी हो गई है। बस अभी मैं चेंज करने वाली हूँ पहले फटाफट से एंड फिर हम करने वाले हैं डिनर साथ में, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा करके, क्योंकि ना टाइमिंग पता है कितना अच्छा टाइमिंग था, जैसे हम लोगों का पूजा हुआ चांद चला गया बादल में। सो गाइज ही प्लान्ड कैंडल नाइट डिनर, एक्चुअली डिनर तो मैंने प्रिपेयर किया, इन्होंने कैंडल प्रिपेयर करी है और अब हम लोग करने वाले हैं डिनर। गाइस फाइनली ऑल डन, पूजा डिनर करवा चौथ भी पूरा हो गया है, सर्गी से लेके यू नो चांद देवता को अर्घ देने तक बहुत अच्छा गया ये फेस्टिवल। आप लोगों का कैसा गया है ये फेस्टिवल मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, आई होप आप सबने भी बहुत इंजॉय किया हो, अच्छे से चांद देवता के दर्शन किए हों। सो गाइज अभी यू नो ठंडा भी बहुत हो गया, अभी यहाँ पे हवा चल रही है, चांद पता है बादल में और छुपन छुपाई खेल रहा है जैसे चांद हमेशा खेलते हैं। तो बस गाइज अभी सितांशु का प्लान है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, बट लेट्स सी जाते हैं या नहीं जाते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड फेस्टिवल्स इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। सी चांद चला गया फिर से, धीरे धीरे जा रहा है। सो गाइस मैं भी चलती हूँ अभी, बहुत टाइट फील करती हूँ, बाय बाय।